हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड टॉपिक चैप्टर 2 हिस्ट्री का, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। कि इस क्रांति की, इस रिवॉल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई थी, जो हम अब तक बात कर रहे थे, जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो इसके पीछे रीज़न क्या थे। तो रीज़न हमने स्टार्ट किया था, हमने देखा था कि जब टैक्सेस लोगों को पता लगा था कि क्या करने वाला है, लुईस 16th जो है वो सिटी के ऊपर क्या करने वाला है, आर्मी भेजने वाला है, आर्मी ट्रूप भेजने वाला है, है ना, याद है, आर्मी ट्रूप भेजने वाला है जिससे वो लोगों को गोलियां मार देंगे। तो वो लोग इकट्ठे हुए, सभी इकट्ठे हुए, कहाँ गए थे, बास्टिल फोर्ट पे गए थे, याद है कि नहीं, है ना। तो ये सब रीज़न, उसके बाद हमने थोड़ा सा फ्लैशबैक में गए थे जैसे मूवी जाती है अपनी, और उसके रीज़न देखने स्टार्ट किए थे कि उसके पीछे रीज़न क्या थे। तो ये हम प्रीवियस सेक्शन के अंदर पढ़ चुके हैं अपने, है ना। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा था। इन द फ्रांस ऑफ द ओल्ड रेजिम द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज वेल अलोन। अब ये टैक्सेस इम्प्लीमेंट करने वाली बात क्या है, क्योंकि हमें पता है कि जब लुई 16th आया था तो उसको क्या था, खजाना खाली मिला था, सारा ट्रेजरी ख़त्म था उसका, कोई भी उसके पास खजाना नहीं था, पैसा नहीं था, और उसको अपने खर्चे चलाने के लिए, राज चलाने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अपने महल के लिए उसको टैक्सेस इम्प्लीमेंट करने थे। तो ये टैक्स इम्प्लीमेंट या बढ़ाने का जो आप कह सकते हो जो कस्टम था, वो पुराने टाइम से चला रहा था कि राजा अपनी मर्जी से वहाँ पे टैक्स नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसको क्या करना पड़ता था, एक स्टेट जनरल जो वहाँ की एक रिप्रेजेंटेटिव की आप काउंसिल कह सकते हैं, उसको मीटिंग बुलानी पड़ती थी, ठीक है, और उस मीटिंग के अंदर वो प्रपोजल रख के उस टैक्सेस को पास करता था, ठीक है। देन रेदर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल विच कुड देन पास हिज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। और इस स्टेट जनरल की जो बॉडी थी, उस बॉडी के अंदर जो लोग कौन से आते थे, वही 3 स्टेट्स के लोग, यानी कि 3 कैटेगरी के लोग आ रहे थे, जिसमें फर्स्ट हमारे पास कौन थे, कौन से थे, याद है आपको, फर्स्ट हमारे पास थे क्लर्जी, सेकंड हमारे पास थे नोबल, और थर्ड हमारे पास जो पीजेंट्स, मर्चेंट्स वगैरह, ये मिडिल क्लास, जिसमें से कुछ मिडिल क्लास हैं, कुछ लोअर क्लास, जो हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं, है ना। तो ये थर्ड स्टेट के लोग थे। तो 3 स्टेट के लोग, इन तीनों स्टेट के लोगों की मिलकर ये जनरल असेंबली बनती थी, और ये सारे लोग नहीं आते थे, इनमें इन तीनों स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव्स इस असेंबली के अंदर आया करते थे, मिलकर इसको बनाया करते थे, ठीक है। देन स्टेट जनरल वाज पॉलिटिकली बॉडी विच द 3 स्टेट सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपने रिप्रेजेंटेटिव वहाँ भेजती इस स्टेट जनरल के अंदर, और वो उनको राजा को सलाह दिया करता है टैक्स बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, कितना बढ़ना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये बात थी। देन अब अकेला राजा होने के नाते ये लुई 16th सोच रहा था कि उसने जो मीटिंग बुलाई है, तो मैं अपने आप इस मीटिंग का निर्णय कर लूँगा, फाइनल फैसला मैंने बुला ली, मैं बता दूंगा, बस इनको अपने को बताना ही है कि इतना इतना बढ़ा दिया साहब, ऐसा काम करना है ना। लेकिन जब इसके हम हिस्ट्री देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ये लास्ट जो मीटिंग थी इसकी, किसकी, स्टेट जनरल की, वो लगभग 1614 के अंदर हुई थी, अप्रॉक्सीमेट 100-125 साल, काफ़ी समय पहले हुई थी उसकी मीटिंग। और अब जो बात हुई थी, ये अपने बात कर रहे हैं करीब 1789 की। तो 5 मई 1789 को इसने मीटिंग बुलाई, किसने, राजा लुईस 16th ने, वहाँ के एम्परर जो थे, किंग जो थे, उन्होंने मीटिंग बुलाई, इसका प्रपोजल रखा वहाँ पे कि साहब नए टैक्स लगाए जाएंगे, ठीक है, और इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक हॉल इन वर्सायल, जो राजा का महल था, वर्सायल का महल जो था, उसको प्रिपेयर किया, सजाया धजाया लोगों के आने के लिए, उन लोगों को अच्छा सा मेहमान नवाजी करने के लिए उनको बुलाया गया। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे, दैट मींस जो क्लर्जी और जो नोबेलिटी थे, उन लोगों के 300-300 रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे आए, दोनों क्लास में से, फर्स्ट क्लास से 300 रिप्रेजेंटेटिव, सेकंड क्लास से 300 रिप्रेजेंटेटिव, फर्स्ट स्टेट से और सेकंड स्टेट से 300-300 रिप्रेजेंटेटिव आए। इन दोनों को तो आमने सामने बिठा दिया इन्होंने वहाँ पे उस मीटिंग के अंदर। और जो थर्ड स्टेट के जो 600 मेंबर्स थे,
जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको इनके पीछे 300-300 लोगों के पीछे 300-300 लोग खड़े कर दिए। जैसे दरबार नहीं होता, अपना महल में दरबार लगा होता, राजा बैठा होता, तो बैठने की जगह किनको दी? फर्स्ट और सेकंड स्टेट वालों को बैठने की जगह दी, उनको चेयर्स मिली, उनको इज्जत मिली और इन लोगों को पीछे खड़ा कर दिया गया उन लोगों के पीछे। अब जो इस थर्ड स्टेट के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे वो मिडिल वर्ग था, वो मिडिल क्लास लोग थे, जो पढ़ लिख गए थे, जो एजुकेटेड हो गए थे, जो नए विचारों से नए विचार वाले लोग उसमें मिल गए थे। ठीक है, यहाँ पे भी एक डिस्क्रिमिनेशन किया हुआ था कि पीजेंट्स, आर्टिसियंस और वुमेंस जो थी, जो किसान थे, जो कारीगर लोग थे, जो औरतें थी वहाँ की, उनको इस असेंबली में आना अलाउड नहीं था, वो नहीं आ सकते थे इसमें। ठीक है, तो उनको आने नहीं दिया। चलिए देखते हैं क्या हुआ। देयर ग्रीवेंस एंड द डिमांड वर लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर्स विच द रिप्रेजेंटेटिव हैड ब्रॉट विद देम। अब यहाँ पे इन्होंने फिर भी क्या हुआ, लगभग 40,000 लेटर्स के थ्रू उन्होंने अपनी शिकायतें, अपनी डिमांड्स, ये सब कुछ उन्होंने बताना शुरू किया, जो रिप्रेजेंटेटिव अपने साथ लेकर आए थे वो राजा के सामने रखना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये उस मीटिंग की कंडीशन थी हमारे सामने। अब एक और रूल था इस मीटिंग का कि वोटिंग हुआ करती थी। ठीक है, अब इस वोटिंग को स्टेट जनरल में जो होता था, तो पुराना जो बात थी किस तरह से वोटिंग किया करते थे, उसका ये सिद्धांत था, ये प्रिंसिपल था कि हर स्टेट का एक वोट माना जाता था, पूरी स्टेट का। जैसे फर्स्ट स्टेट के 300 पीपल हैं तो उनका मिलके एक वोट होगा, सेकंड स्टेट के 300 पीपल हैं उनका मिलके एक वोट होगा, थर्ड स्टेट के 600 पीपल रिप्रेजेंटेटिव आए तो उनका मिलके एक वोट होगा और इसमें जो ज़्यादा होगा उस हिसाब से कर लेंगे। तो दिस टाइम क्या हुआ, लुइस 16th ये निश्चित था कि भाई अपने इसी हिसाब से कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे भी राजनीति है, उनको वोट देने के लिए बुलाया तो है। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड स्टेट दोनों टैक्स लेते हैं तो टैक्स बढ़ाने में उनको एतराज़ क्यों होगा? नेचुरल सी बात है ना कि फर्स्ट स्टेट भी टैक्स ले रही है, क्लर्गी भी ले रहे हैं, नोबल्स भी उनसे टैक्स लेते हैं अलग अलग तरीके से, और देने वाला कौन सा है? ओनली थर्ड स्टेट। तो जहाँ तीनों को एक एक वोट दे दिया, तो तीनों में क्या हुआ, जब दो वोट उनके पास में आ गए, सोचो ज़रा, तो नेचुरली वो बिल पास हो जाएगा, वो कहेंगे ठीक है पास कर दो, और दोनों वोट देने वाले कौन है? लेने वाले। तो राजा निश्चित था कि इस बार भी ऐसा ही होगा कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले तो मेरे पक्ष में बोलेंगे, क्योंकि इन्होंने भी टैक्स, इनके भी टैक्स बढ़ने हैं, इन्होंने भी लेना है, तो वो ये बोलेंगे। थर्ड स्टेट वाले तो अगर वोट दे भी देंगे तो वो चुप हो जाएंगे। लेकिन इस बार हुआ क्या कि द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट, उन्होंने जो 600 डिपॉजिट, उन्होंने डिमांड रख दी वहाँ पे कि जो वोटिंग होने है साहब, इस बार स्टेट वाइज आप नहीं करोगे, इस बार जितने मेंबर असेंबली में हैं, जो लोग यहाँ पे खड़े हैं, उनका पर पर्सन पर वोट आप लीजिए और फिर डिसाइड कीजिए। अगर आपने टैक्सेस बढ़ाने हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं उसमें। और ये एक प्रिंसिपल था हमारा, मेन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है ये, तो हम आज के तरीके में हम समझते हैं, लेकिन उस समय देखो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यहाँ से डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल स्टार्ट हुआ और ये प्रिंसिपल रूसो ने दिया था अपनी बुक के अंदर, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, है ना। तो ये बुक का नाम याद रखना, रूसो ने बताया था इसको। ठीक है, अब राजा साहब को ये तो मंजूर होना नहीं था, उनको पता था इसमें तो क्या होगा, अगर 600 वोट उधर पड़ गए तो हम तो हार जाएंगे सारे के सारे। तो ये उन्होंने रिजेक्ट प्रपोजल जो है रिजेक्ट कर लिया। इस रिजेक्शन की वजह से जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो वॉकआउट कर गए वहाँ से असेंबली को, और बाहर आके प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने कि हम आपकी इस टैक्सेस को नहीं मानते। ठीक है, इस तरीके से ये कंडीशन वहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। देन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट, उन्होंने क्या देखा कि यार हम कुछ क्यों नहीं कर सकते, तो अपने व्यूज़ जानने के लिए, अपने काम करने के लिए, अपने आप को एक तरह से उन्होंने ये मान लिया था कि अब हम स्पोक्स पर्सन हैं फ्रेंच लोगों के, जो फ्रेंच की, फ्रांस की जो जनता है, जो लोग हैं, पूरा नेशन है, उनके हम ही स्पोक्स पर्सन हैं, हमें बात करनी पड़ेगी, हमें सोचना पड़ेगा। तो महीने भर बाद लगभग वो 20 जून को कहाँ असेंबल हुए, इंडोर टेनिस कोर्ट के अंदर, उस ग्राउंड के अंदर वसाइल के वहाँ पे इकट्ठे हुए और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया फ्रांस की, कि फ्रांस की नेशनल असेंबली हम हैं। ठीक है,
और कोई नहीं, ये उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया और औथ ले ली, शपथ ली वहाँ पे उन्होंने कि हम जब तक राजा की या वहाँ के सम्राट की, वो किंग की, उनकी पावर्स को कम करने वाला कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं कर देंगे तब तक हम ये असेंबली चलाते रहेंगे, इसको डिसॉल्व नहीं करेंगे, ये असेंबली कंटिन्यू चलेगी और हम मिलकर इसको एक कॉन्स्टिट्यूशन लिख के छोड़ेंगे। ठीक है, अब उनको जो लीड करने वाले जो जो दो लीडर्स थे वो थे मिराबियो एंड आबेसी। ठीक है, मिराबियो एंड आबेसी दो लीडर थे। मिराबियो जो था वो बाय बर्थ नोबल फैमिली से यानी कि सेकंड स्टेट से आता था, लेकिन वो इन लोगों के विचारों से प्रभावित था और वो चाहता था कि ये जो जन्मजात अधिकार इनको मिले हुए हैं वो ख़त्म होने चाहिए, जो ये दूसरों को दबाने वाले हैं, इनको हक मिले हुए हैं, जो अधिकार मिले हुए हैं, जो विशेषाधिकार हैं, जो प्रिविलेज हैं, जो सामंती व्यवस्था पुरानी राजा जागीर ठाकर व्यवस्था जो चला रहे हैं, इन सबको ख़त्म होने की ज़रूरत है। इस बात से वो कन्विंस था इनकी, इसलिए वो इनके साथ लीडर बन गया। और उसने एक क्या किया, अपने साथ जो लेके आया था खूब अच्छी, उसमें लिख के पहले से लेके आया था लेटर वगैरह, जो आप कह सकते हो कि नोट्स लेटर्स या कुछ भी, या स्पीच आप कह सकते हो, वो लिख के लाया, खूब अच्छे भाषण भी उन्होंने दिए। जो दूसरा लीडर हमारे पास था आबेसी जो थे, वो कौन थे, वो अपने क्या कहते हैं प्रीस थे, यानी कि पादरी जिसको कहा जाता है, जो पंडित होता है एक तरह से आप कह सकते हो, पूजा करने वाला होता है चर्च में, प्रीस थे वो। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी एक बुकलेट या पंपलेट छपाए, उन्होंने बुकलेट से छपाए और उन्होंने लिखा भी थर्ड स्टेट क्या है इसके बारे में उनको बताना स्टार्ट किया कि एक्चुअल में थर्ड स्टेट है क्या, क्यों उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया, तो उसको वो फेमस करने में लगे हुए थे, ये भी उनके साथ हेल्प कर रहे थे। चलिए, यानी कि दोनों ही नोबल फैमिली से थे और उनको लीड कर रहे थे। अब हम देखते हैं आगे हुआ क्या इसमें, कि जब ये नेशनल असेंबली अपनी ड्राफ्टिंग कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उस समय पूरे फ्रांस के अंदर उथल पुथल मची हुई थी, लोग लड़ाई झगड़े कर रहे थे वहाँ पे, राजा के सैनिक आ रहे थे, उनको दबाने की कोशिश कर रहे थे और कुछ कर रहा था, तो पूरा फ्रांस के अंदर एक विचारधारा चली हुई थी, लड़ाई झगड़े भी हो रहे थे, लोग खिलाफत भी कर रहे थे, अगेंस्ट भी थे। ठीक है, और इनसे भी कुछ सोच रहे थे भी ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके विचारों से भी प्रभावित हो रहे थे, तो इस तरह के एक माहौल पूरे फ्रांस में बना हुआ था। अ सीवियर विंटर, अब एक चीज़ और वहाँ पे होगी, ये तो विचारों की लड़ाई चल रही थी वहाँ पे साथ में, इसके साथ में कुछ ज्योग्राफिकल कंडीशंस भी ख़राब हो गई, उसने भी इस चीज़ को, इस रिवोल्यूशन को मदद करी। वो क्या हुआ कि एक सर्दियाँ खूब पड़ी उस समय, और यूरोप में वैसे भी ठंड ज़्यादा पड़ती है आपको पता ही है, तो उन सर्दियों की वजह से जो फसल थी उनकी, जो हार्वेस्ट था, वो ख़राब हो गया। फिर वापस जब फसलें ख़राब होएगी तो खाने पीने की चीज़ों के प्राइस बढ़ जाएंगी, उनकी ब्रेड रोटी जो भी था वो उनके प्राइस बढ़ गए, गेहूं के प्राइस बढ़ गए और चीज़ों के प्राइस बढ़ गए। देन और जो बेकर्स थे जो ब्रेड बनाते थे वहाँ पे, वो मोस्टली क्या करते थे, जैसा हमारे यहाँ करते हैं, अपने जमाखोरी करना स्टार्ट कर देते हैं उसको, ठीक है, और सप्लाई कम कर देते हैं। तो इस तरह की कहानी सिचुएशन उन्होंने भी पैदा करी कि चलो जमाखोरी करना स्टार्ट कर दो, फ़ायदा उठाते हैं, महंगी बेचते हैं। ठीक है, बेकर्स ने ब्रेड बनाना कम कर दिया, रखना ज़्यादा शुरू कर दिया, और घंटों तक लोगों को इंतज़ार करना पड़ता था ब्रेड लेने के लिए, तो इसमें कुछ एग्रेसिव हो जाते थे लोग, कुछ वुमेंस, कुछ मैन, कुछ वुमेंस, और वो भीड़, एग्रेसिव भीड़ क्या करती थी, उनके ऊपर टूट पड़ती थी और गुस्सा जो उनको सारा दुकानों पर निकाल दिया जाता था। ठीक है, अब इस तरह की कंडीशंस जब होने लगी थी, तो At the same time, the king ordered troops to move into the Paris. और ये जब वो समय था जब किंग ने पेरिस में एंटर होने का अपने सेना को भेजा कि वहाँ पे लोगों और इन सबको मारो, उनको घर भेजो। On 14 July, क्या हुआ कि जो agitated crowd था स्ट्रॉन्ग, उसने डिस्ट्रॉय कर दिया बास्तिल को। ठीक है, जो फोर्ट था उसका, 14 जुलाई को इस भीड़ ने, इस गुस्साई हुई भीड़ ने क्या किया कि जाके बास्तिल पे धावा बोलकर उसको ख़त्म कर दिया, उसको तोड़ फोड़ दिया। ठीक है, ये कहानी हुई वहाँ पे। अब जो गांव थे, कंट्री साइड थी, उसके अंदर क्या हुआ, ये थोड़ा सा हम
और देख लेते हैं। इन द कंट्री साइड ये रूमर फैल गई, जो गांव के यानी कंट्री साइड का मतलब पेरिस से बाहर, सिटी से बाहर के जो गांव थे, बाकी शहर के अंदर, शहर से बाहर गांवों के अंदर, वहां पे क्या हुआ, उन गांवों के अंदर जो मैनर थे, जो वहां के मैनर का मतलब होता है जो जागीरदार आप कह सकते हो, जिनके पास ठाकर थे, जागीरदार थे, जो सेकंड क्लास में नोबल्स जो आते थे, वो उन लोगों वो लोग थे। तो जो गांव के अंदर ही होती, उनके जो लोग हैं, उनके जो गुंडे आप कह सकते हो, उन्होंने हायर किए लुटेरे, गुंडे आप ये कह सकते हो कि मारपीट करने वाले लोग या मसल्स पावर वाले लोग, उन्होंने ये हायर किए और उन्होंने कहा भी ऐसा करो, गांव में जो पकी हुई फसल खड़ी है उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, उसको ख़त्म कर दीजिए। तो राइप क्रॉप्स जो थी, पकी हुई फसल जो थी, उसको जलाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, ताकि लोगों में और महंगाई बढ़ जाए, उसको इस तरह से उन्होंने कंट्री साइड गाँव में उन जागीरदारों ने दबाने की कोशिश करी। ठीक है, अब ये जो चीज़ें होने लगी थी, तो इससे क्या हुआ कि लोगों में, किसानों के अंदर एक डर का माहौल पैदा हो गया, वहाँ पे फियर वहाँ पे बढ़ गया उसके अंदर। ठीक है, जब ये फियर बढ़ा, ये डर बढ़ा उसके अंदर, तो पीजेंट्स जो थे वो अपने अपने हथियार, अब उनके पास क्या हो गया, कुल्हाड़ी थी तो कुल्हाड़ी लेके चल पड़ा उसके पास, अगर कोई कुदाल थी, कुल्हाड़ी थी, किसी के पास कोई वो खदा खोदने वाला कुछ जो है, पिच फॉक्स वगैरह ये थे, तो जो उसके हाथ में आया डंडा जो उसके पास था, कस्सी कुल्हाड़ी जो थी, वो लेके चल पड़ा। और उन्होंने कहाँ कमले करना है, वहाँ पे उन्होंने शॉटू, शॉटू को कहते हैं, ये प्रोनाउंसिएशन इसका यही है कि शॉटू पे हमला करना। शॉटू क्या थे, ये थे हमारे छोटे छोटे कैसल्स जो उस जागीरदार या वहाँ के लैंडलॉर्ड कह दीजिए या उनके मैनर कह दीजिए, उनके जो महल थे, घर थे, कैसल थे, कुछ भी जिस तरह से बना हुआ था, उस रेजिडेंस के ऊपर उन्होंने हमला करना गांव के हमलों पर शुरू कर दिया। उन्होंने उनको लूट लिया, उनके जो जहाँ पे वो फूड वगैरह रखते थे, जो स्टोरेज सिस्टम था, उसको लूट लिया गया, और अपने जो टैक्स से रिलेटेड जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है ना, उन डॉक्यूमेंट्स को जला दिया, उनको फाड़ दिया, उनको फेंक दिया, ताकि ये पता ना कर सके कि किसका कितना टैक्स बाकी था। इस तरह से उन्होंने गांव वालों ने काम करना शुरू कर दिया, और ये लोग जो नोबल लोग थे वो बड़ी संख्या में अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के, अपने घर छोड़ के, अपने कैसल्स छोड़ के भागना स्टार्ट कर गए और आसपास की कंट्री में जाके रहने लगे। तो ये कंडीशन होना वहाँ शुरू हो गई थी। ओके, अब जब राजा को ये पता लगा, किंग लुईस 16 को ये पता लगा, और उसको लगा कि अब ये मैं किसी भी तरीके से इन रिवोल्यूशनरी सिस्टम्स को ख़त्म नहीं कर सकता, इन लोगों को रोक नहीं सकता, तो उसने क्या किया कि इस नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। दैट मीन्स उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसके प्रिंसिपल को भी एक्सेप्ट कर लिया कि अब राजा जो भी काम करेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में काम करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेगा, उससे ऊपर नहीं होगा, उस पर वो राजी हो गया काम करने के लिए। 4 अगस्त 1789 को रात को असेंबली ने क्या किया, एक ऑर्डर पास किया। उस ऑर्डर में उन्होंने कहा कि जितने भी टैक्सेस लगाए थे, जो लगाए गए हैं, जो टैक्सेस हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, जो फेडरल सिस्टम की थी, वो सारे के सारे अब ख़त्म कर दिए जाते हैं। ये 4 अगस्त 1789 को नाइट में उन्होंने डिक्लेयर किया नेशनल असेंबली ने, और मेंबर ऑफ द क्लेरी टू क्लर्जी के जो मेंबर्स थे वो भी अब किसी भी तरीके के प्रिविलेज के हकदार नहीं रहेंगे, उनको कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। जो टैक्स वो पहले लिया करते थे, ठीक है ना, वो टैक्स भी अब उनको प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा, और उस टैक्स को हम कहते थे दैट इज़ टाइथ, है ना, तो अब वो टाइथ भी उनको नहीं दिया जाएगा, वो एबोलिश कर दिया। और जो लैंड थी चर्चेज के पास में, जो चर्च लैंड ऑन करके रखते थे, वो उन्होंने जब्त कर ली, उसको अपने अधिकार में ले लिया, सीज कर लिया एक तरह से कह सकते हो, और उन्हें गवर्नमेंट ने उसको मालिकाना हक अपने पास ले लिया, चर्च को उससे हटा दिया कि अभी आपकी लैंड नहीं रहेगी। एज द रिजल्ट
गवर्नमेंट एक्वायर असिस्ट वर्थ ऑफ एटलीस्ट 2 बिलियन लिवरेज. उस समय लगभग 20 अरब लिवरे 2 बिलियन लिवरे की जो प्रॉपर्टी थी उस पर नेशनल असेंबली ने कब्जा कर लिया, चर्चेस को हटा दिया, राजा को रिमूव कर दिया. तो इस तरीके से उन्होंने अपना सारा काम स्टार्ट किया था. ओके, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, कल हम इसको नेक्स्ट देखेंगे, कुछ टॉपिक रिवाइज करेंगे और फिर आगे चलेंगे. थैंक यू.